पुलिस के तो 10 है, सामने देखा 10 है। और इसमें जैसे मैंने कहा प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें हैं, वो भी आए हुए हैं। अब चैलेंज ये है कि द डिमांड ऑफ अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ डी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है और ये कम पड़ रहा है, मोस्टली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। यस सर, सर अभी जो हमने देखा कि पुलिस कार्रवाई काफ़ी कर रही है, ड्रग्स काफ़ी पकड़ी जा रही है, देन हाउ इम्पोर्टेंट दीज सेंटर्स आर टू यू नो स्टॉप दिस यंगस्टर दोज हु आर बेसिकली एडिक्टेड। देखिए ना, उसमें हमने जैसे थोड़े देर पहले बात करी ये कह के कि इसको टनल को दोनों साइड से खोदनी पड़ेगी, यानी कि इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। इसको जूझने के लिए दो तरफा हमला करना पड़ेगा, एक जैसे सब लोग कहते हैं कि डिमांड साइड और एक है सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड से तो पुलिस कोएर्सिव एक्शन से, लॉ से लोगों को अरेस्ट करना और जो इसमें डीलर्स हैं बिजनेस करते हैं इसको लेकर, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स भी होनी चाहिए और डिसइंसेंटिवाइज हो जानी चाहिए कि इसमें करने वाला को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो वाला कार्रवाई एक तरफ और डिमांड के ऊपर भी साथ में मतलब एक्शन। और डिमांड वाली जो एक्शन है वो बड़ा कठिन है, क्योंकि जैसे सब लोग कहते हैं कि इसमें जब वो अपने आप में वो ऐसी चीज़ है कि जो इसमें कंजम्पशन करता है और वो अपना खुराक अपना पैसे जुगाड़ करने के लिए दूसरे को फिर वो कर देता है। सर, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे एरियाज में जो प्रॉपर्टीज आपने सीज भी किया है, इसमें आपने काफी प्रॉपर्टीज को सीज किया है जो ड्रग डीलर है? ये हम इसको जैसे हमने टेररिज्म में यूएपीए में हमने टेररिस्ट के खिलाफ जिस लेवल पे कार्रवाई करते हैं, और एक हमने आप लोग सब लोगों को पता है कि उसमें एक बहुत विजिबल इम्पैक्ट आया है जब हमने टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ काम करा। हमने वहाँ पे क्या करा, हमने ये कहा कि जो चलाने वाला बंदा है या जो रिक्रूट है उससे परे गए हम, उसको उसके उसको पूरी इकोसिस्टम पे जो उसको साथ देता रहा, जो उसको बरगलाया, जो उसको लाया, जो उसको हथियार देने में मदद करी, जो इसको छिपाने में मदद करी, वो सारे को सारों का निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करी हमें, और उसमें एक इम्पैक्ट आया, फर्क आया। इस सेम स्ट्रेटेजी में म्यूटेंटिस म्यूटेंडिस मेथड में मतलब थोड़ी सी तो उसमें तो बदला होगा, पर वही अप्रोच रहेगा। हम यहाँ पे हमारा अप्रोच मोरलेस वही रहेगा कि जो अडिक्ट है वो हमारे लिए विक्टिम है, पर उसको हर लिहाज से जो उसको सपोर्ट करता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मुझे हमें लगता है कि विद टाइम वी शुड बी एबल टू सक्सेस।